बंद करो, बंद करो, बंद करो। दो साल से भी एक भी पैसा नहीं मिला, एक पैसा दो साल से। वो अपने ऊपर अधिकारी उठाएंगे यहाँ जो भी है, पर हम तो यहीं पे रहेंगे, हम जाना जाने वाले नहीं सर, हम तो मरते, हमें पेमेंट मिलेगी जब जाएंगे, हम किसी से कोई उदमराजी नहीं कर रहे, ना कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, पर यहीं पे बैठेंगे, यहीं रहेंगे। ये आवाज उन मजदूरों की है जो अपनी गाढ़ी कमाई के लिए आज कंपनी के दफ्तर के बाहर हंगामा कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा बिजली विभाग में ठेकेदारी का काम करने वाली टाटा कंपनी लिमिटेड ने इन मजदूरों को सब कॉन्ट्रैक्ट दिया था, इनके मालिक को सब कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और उनका पेमेंट करीब दो साल से नहीं कर रहे, जिसके कारण एक कंपनी अपने मजदूरों को, अपने वर्करों को पैसे नहीं दे रही है। और आज वर्कर थक हार कर कंपनी के गेट पर पहुंचे, इनके साथ इनका ठेकेदार भी पहुंचा और कंपनी के बाहर हंगामा करने लगे। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने इनको समझाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन पुलिस के हाथ विफलता के अलावा और कुछ नहीं लगी। जब इन लोगों ने कहा कि आज बिना पैसे लिए ये वापस नहीं जाएंगे, ये पूरी तस्वीर साइबर सिटी गुरुग्राम के पालम बिहार C1176 का है। ये रेजिडेंशियल इलाका है और आप देखिए यहाँ टाटा कंपनी जो DHBBL में करोड़ों की ठेकेदारी करती है, करोड़ों का काम करती है, ये उसका दफ्तर है। और रेजिडेंशियल इलाके में कंपनी अपना दफ्तर बनाकर यहाँ सब कॉन्ट्रैक्ट देती है दूसरे छोटे छोटे ठेकेदारों को। आरोप है कि 2018 में इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और आज 2021 है, अभी तक कोई पेमेंट नहीं किया गया, जिसके बाद ये लोग अपने ठेकेदार के साथ, मजदूरों के साथ ठेकेदार खुद यहाँ पहुँचा है। और पहुँचने के बाद आप देखिए कि गेट बंद है, कंपनी का जो दफ्तर है वो गेट बंद है और अधिकारी अंदर है। हालांकि हमने भी कंपनी के जो अधिकारी हैं उपेंद्र, उनसे फ़ोन पे बात की और हमने जाननी चाहिए कि वजह क्या है, तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया और कहा कि जल्द से जल्द इनकी पेमेंट हो जाएगी। आइए क्या कुछ मांगे हैं इनकी, सुनवाते हैं आपको। मामला सर ये है कि मैंने 2018-19 में टाटा प्रोजेक्ट से काम लिया था स्मार्ट सिटी का, तो हमने, इन्होंने मेरे को 1.5-2 करोड़ के ऑर्डर किए थे लगभग, हाँ। तो हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया, सारा लगा के मन से अपना काम करते गए। तो स्टार्टिंग में जरा हम बिल लगाते रहे, जो हमने काम किया था उसका बिल लगाया, जैसे हमने 20 लाख का बिल लगाया तो 1 लाख रुपए इन्होंने पेमेंट डाल दी। तो वो पूछा जी बाकी बिल जो है क्या आने वाला है, फंड आने वाला है, हम करेंगे करेंगे, आप काम करो, बस काम करते जाओ, टाटा किसी का पैसा नहीं मारेगी, आपको दे देगी, फंड आने वाला है। पर आलम ये रहा धीरे धीरे कि इन्होंने पैसा देना बंद कर दिया बिल्कुल। अब पिछले 1-1.5 साल से तो इन्होंने एक भी पेमेंट नहीं करी है, और मेरे को दफ्तर भी चक्कर काटते काटते 1 साल हो गया सर। हर डेली इस दफ्तर में आता हूँ, हाथ जोड़ के अपना पैसा मांगता हूँ, जबकि मेरे बिल बुक हैं, इनको पूरा 1 नंबर का पूरा पैसा। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई काम नहीं किया हो या नहीं हुआ हो इसलिए पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ये इनके अधिकारी खुद बोलते हैं कि हमारे पास आपके बिल बुक हैं, बुक कर रखे हैं, लेकिन हम पैसे दे देंगे। अब ये सर इतने लोग हैं, इनकी तनख्वाहें होती हैं, लेबर है, एक पैसा मिला नहीं है, 1 साल से बिल्कुल 1 पैसा नहीं दिया गया। और सर मेरा 50 से 60 लाख रुपए इनके पास अभी बकाया है। कुल कितना पैसे है? इन्होंने मेरे को अभी तक 70 लाख रुपए दिए, 60 लाख रुपए बकाया है जो पिछले 1-1.5 साल से बकाया है। धमकियां देते हैं सर, बोलते हैं कि हमारे पास बहुत वकील हैं, बहुत जज हैं, हम देख लेंगे। तो हम तो सर छोटे से ठेके। तो आपने सुना कि ये लोग पुलिस के सामने बिल्कुल रिजिड हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब तक इन्हें पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने इन सब के बीच में उन अधिकारियों को भी बुलाया, जो बड़ी कंपनी है उन अधिकारियों को भी बुलाया, और सबके सामने 10 दिनों का आश्वासन दिया है, साथ ही मेल भी किया है कि अगर 10 दिनों में इनके पेमेंट नहीं होते हैं तो ये लोग कुछ भी करने के लिए बाध्य है। ऐसे में देखना होगा कि 10 दिनों का जो वक्त है, क्या वक्त पर कंपनी अपने सब ठेकेदार, छोटे ठेकेदार जिनके अंडर में ये सैकड़ों वर्कर काम कर रहे हैं, जो गरीब मजदूर काम कर रहे हैं, इनको पेमेंट मिलता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रवासी एक्सप्रेस।